नमस्ते। मैं भी बोली छोटी वाली दीदी नमस्ते। और कहिए और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, अपना बताइए क्या हाल? अपना भी सब ठीक है। हाँ किसी प्रकार का कोई तकलीफ एवं कष्ट नहीं है। चलो नमस्ते। नमस्ते। मैं बोली नमस्ते दीदी। मैं भी बोली मिर्जापुर वाली विंध्याचल वाली दीदी नमस्ते। और बहनी बता का हाल समाचार बा? ए बहनी हमार हाल समाचार सब ठीक बा, अपन बतावा। अपना सब बढ़िया बाटे। बढ़िया है ना? ई बता का घरे गई रहो ना? घरे तो गई रही। समाचार सब बढ़िया बा? एकदम बिल्कुल फिट है। सुना तो तार माई बीमार रहे। का करबो दीदी, तबीयत सही बा कि नहीं है? अब अही तो ही यही सवेरे चलब तो फिर पता चली ना। चलो ठीक बात, सब बहने से मिले तब बात करें। अच्छी बात है दीदी। अरमी की दी नमस्ते हो? मैं भी बोली छोटी वाली दीदी नमस्ते। और कहाँ हाल बा? एकदम हाल समाचार सब ठीक बा दीदी, आपन बतावा। हमार तो सब अच्छा बा, आपन बतावा दीदी। एकदम सब खैरियत है यहाँ, सब चका चकवा भगत आई यहाँ, गुरु जी आई यहाँ। हाँ? मिलू की नहीं? अब मिले तो ना है, एकांत में मिलू। हाँ लेकिन हमारे बड़की दीदी से मिल ले। अरे हम कहे नमस्ते दीदी। मैं भी बोली बेहदाल कला वाली दीदी नमस्ते। और क्या हाल है बहनी? भले है? एकदम भले ही दीदी। लेकिन तुझसे कुछ जानना ही चाहिए थो। बोला इतना सज बज के आई सुलह सिंगार करके आंखों में काजल लगा के माथे बिजली लगा के आज कौने गांव बिजली गिरी? सही बतावा, आज बिजली गिरा है केकर जान लेबू। दीदी आपका कहने का मतलब इतना शौख और सिंगार बना करके कहां से आ रही हो और किस ग्राम सभा में ये बिजली गिराने जा रही हो? दीदी आपको मालूम होना चाहिए कि इतना शौक और सिंगार बना करके मैं तो ग्राम सभा खमपुर पोस्ट नारायणगंज थाना मांधाता जिला प्रतापगढ़ से चल करके आ रही हूँ और यह बिजली ग्राम सभा लोसनापुर में गिराने जा रही हूँ। लेकिन और कोई काम है? केवल बिजली गिराने जा रही हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राम सभा लुसनापुर में यादव परिवार में तिरहवीं का आयोजन किया गया है और जिस तिरहवीं के आयोजन में यह भी सुने हो कि मालिक मामा भांजा की नौटंकी पार्टी भी बुलवाई गई है। जी हाँ, वही नौटंकी पार्टी देखने जा रही हूँ। और आपको यह नहीं मालूम होगा कि ये मालिक मामा भांजा रहने वाले कहाँ के हैं? दीदी आपको मालूम होना चाहिए कि इनका पता ग्राम खमपुर पोस्ट नारायणगंज थाना मांधाता जिला प्रतापगढ़ क्या रहने वाले हैं। जिनके पार्टी के मास्टर साहब कौन है? आप साहब बढ़िया ये शंकरलाल यादव जो कि वासु राजा के रहने वाले हैं और उनके पार्टी के मैनेजर साहब आप साहब पन्नालाल पाल जो कि बेहदौल कला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनके पार्टी के संचालक महोदय जो कि आप बड़े भैया श्रीमान मुन्ना यादव जो कि तरौल बाजार के रहने वाले हैं। उन्हें मालिक मामा भांजा की नौटंकी पार्टी आई हुई है, वही नौटंकी पार्टी देखने के लिए मैं जा रही हूँ। लेकिन दीदी मैं भी चलूंगी। क्या आप भी चलोगी? जी हाँ। ए दीदी हाँ मैं भी जाऊंगी। तुम भी जाओगी? हाँ नौटंकी देखूंगी। तुम बिहार का है कहा रे? छत्तीसगढ़ से आई हूँ ना। छत्तीसगढ़ से? बिलासपुरी? हाँ। तो जाएगी आवेगी करवाई कर। लेकिन कैसे चल रही हो दीदी आप कह रही हो? ऐसा नहीं है चलबू की नहीं चलब हो तो उसी समय एकदम हैरान हो गई है। का भा? तू तो रात में केवल मिला थू। हाँ आ दिन भर तोरे जना टावर लागा है मोबाइल ही नहीं। सही कहा थे मोरी बहनी। हाँ और जग लूटू मोरी गुंजा। अरे इतना जग लूटा थी यहाँ हो महिलान वाली? हम भले ही, तू भले है? हाँ भले ही। कैसे आए रे? भले यहाँ हो। फोन वोन आए रहा? मोबाइल से चाप लिया हो? नहीं। चला हम चला देखे हो लेकिन ऐसे नहीं चले बिना सब क्यों लब लबानी है।
इना ही देखत या कितनी रात बीत चुकी बाटे है। दीदी रात काफी बीत गई है जी। मेरा सोचना यह है कि हम लोगों के साथ में कोई मर्द होता रास्ता दिखाने वाला तो बहुत ही अति उत्तम बात होती। अरे दीदी पागल बन रही हो क्या? है ना चार लोग ये जो राम मूरत पटेल हारमोनियम बजा रहे हैं, ये सोराव सांगीपुर प्रयागराज के रहने वाले हैं। यही है सोराव सांगीपुर के रहने वाले। हाँ, और जो रूपचंद गौतम नकारा बजा रहे हैं ये गोहरी हापम और प्रयागराज के रहने वाले हैं। अच्छा, और राजू भाई जो ढोला बजा रहे हैं ये नाना सही नवाब प्रयागराज के रहने वाले हैं। विजय बहादुर पटेल बहेरा के रहने वाले हैं। ये सब बताएं कैसे चला है? चलिए मास्टर बताइए।